हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास है यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे 25 फरवरी करंट अफेयर वीडियो को। अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। शुरू करेंगे क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में अभी गुजरात में स्थित मोटार जो स्टेडियम है जिसके कार्यक्रम में भाग ले रहे थे आज, उस कार्यक्रम का क्या नाम था? तो आपको बताना है, जो डोनाल्ड ट्रंप है मोटर स्टेडियम में जिसमें भाग लिया था एक कार्यक्रम में, तो उस कार्यक्रम का क्या नाम था? तो उसका कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में नमस्ते ट्रंप नाम से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उसी तर्ज पर आयोजित किया गया जैसे अमेरिका में मोदी के आगमन पर आउडी मोदी का आयोजन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक लोग नमस्ते ट्रंप में भाग ले लिया था। कितने लोगों ने लिया था? 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया था मोटेर क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में। क्वेश्चन देखेंगे दो। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिव फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हुआ 35वां। कौन सा 35वां स्थान है वो भारत को प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिव फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान मिला। यह इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाती है। इस इंडेक्स में छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक दिया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन तीन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्टिंग इंडेक्स जारी किया जिसमें भारत को 131वें स्थान पर है? निम्न से किस संस्था ने इसे जारी किया? तो वो क्या, यूनिसेफ ने। किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी किया गया जिसमें 131वां स्थान भारत को मिला। ये कुशवाहा सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया जाता है। इसमें बच्चों के लालन पालन और उनके स्वास्थ्य के आधार पर सूचकांक को तैयार किया जाता है। सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है जबकि दक्षिणी कोरिया नीदरलैंड क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन चार। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा थाई मंगूर मछली के उत्पादन को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो वो कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे क्वेश्चन पांच। निम्नलिखित में से किस राज्य में दारा सियो की कब्र खोदने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सदस्य पैनल गठित किया गया? तो किस राज्य में है? तो वो किया गया है, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने दारा जोशी है 1615 से 1659 की कब्र खोदने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक 7 सदस्यीय पैनल तैयार किया गया। इतिहासकारों को आज तक दारा सिरोही की कब्र नहीं मिली, लेकिन यह माना जाता है कि उन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही कहीं दफनाया गया है। दारा सिरोही मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन औरंगजेब ने उत्तराधिकारी संघर्ष में उसकी हत्या कर दी थी। कहाँ कर दी थी? उनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन छः। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट में तीनों फॉर्मेटों में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? तो वो मना है रॉस टेलर। कौन? रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से अधिक मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेलर ने यह उपलब्धि 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के खिलाफ खेले गए 100वें टेस्ट खेलते हुए हासिल की। टेलर ने अपना 100वां T20 भी भारत के ही खिलाफ 2 फरवरी को माउंट मोंगनगोई में खेला था। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो आज के लिए आपका सवाल है वो देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्र को नष्ट करने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने लिया, आपको बताना है कि राज्य सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का निर्णय लिया है। तो किस सरकार ने लिया है? ऑप्शन बताते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और पश्चिमी बंगाल। राइट आंसर आप नीचे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। अगर राइट आंसर आपका रहता है तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन सात। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? तो किसने जीता? वो जीता एडलिन क्रिस्टलियो ने। किसने? एडलिन क्रिस्टलियो ने ये हाल ही में जो मिस डीवा यूनिवर्स 2020 है उसका विजेता खिताब जीता। मैंगलोर की रहने वाली क्रिस्टलियो को पिछली विजेता प्रतिका सिंह द्वारा ताज पहनाया गया। पुणे की नेहा जायसवाल को रोशन श्योरण ने
रनअप का ताज पहनाया। इस वर्ष के अंत में मिस यूनिवर्स में देश का प्रतिनिधित्व करेगी, जबकि आवृति चौधरी मिस सुपर नेशनल के लिए भारत की दावेदार होगी। अब देखेंगे पिछले वीडियो का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर असम का पहला जीरो वेस्ट शहर बनाया, तो कौन सा बनाया, तो वो बनाया तीताबोर। कौन बनाया, तीताबोर। और सही आंसर देने वाले विजेता उनमें नाम है अनीता कुमारी मीना और राहुल कुमार जी राज। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।